फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, ठीक है। तो हम सब पढ़ रहे हैं फिजिक्स, ठीक है। तो उसमें हम सब पढ़ रहे हैं वेक्टर एनालिसिस यानी वेक्टर विश्लेषण, ठीक है। तो आज उसी का हम सब पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, ठीक। फ्रेंड्स, इसमें हमने आप सबको बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आप सबको बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, बस वही क्या है, भौतिक राशि है, ठीक। तो वो मेनली कितने टाइप की होती है, मैंने क्या बताया था, दो टाइप की होती है, एक सदिश है ना, और एक कौन सी, अदिश, ठीक। यानी इसको कहते हैं वेक्टर एंड इसको कहते हैं स्केलर, ठीक। ये चीज़ मैंने बताया था, ठीक। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो सदिश राशि होती है, जो सदिश राशि होती है, इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कौन कौन से चीज़ की, मैग्नीट्यूड की एंड किसकी, डायरेक्शन की। यानी ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, उसको हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। और जो हमारी अदिश राशि होती है, जो हमारी अदिश राशि होती है, उसमें क्या फ्रेंड्स मैंने बताया था, उसमें सिर्फ क्या हमको चाहिए, बस मैग्नीट्यूड चाहिए। यानी हमको क्या चाहिए, परिमाण चाहिए बस। यानी उसमें दिशा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण दिया हुआ हो तो वो क्या है, अदिश राशि है। यानी उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। वो बस दिशा पर डिपेंड कौन सी राशि होती है, हमारी सदिश राशि होती है, ठीक। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे, वो भी बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में मैंने आपको बताया था, ताकि वो आपको एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्टिव में, कि कोई भी चार ऑप्शन आपको गिवन हो, इसमें से पूछा जाए कि कौन सी स्केलर है या कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। वो ट्रिक आप याद कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो वीडियो जाके देखो, ठीक। तो उसके आगे मैंने ये बताया था, यूनिट वेक्टर आपको बताया था, ठीक। यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं किससे, ए कैप से, और वो किसके बराबर होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए के बराबर होता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने बताया था, ये जो होता है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट वेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। ये होता क्या है, जैसे कोई भी डायरेक्शन है हमारा, ऐसे इस टाइप से है, ये हमने कंसीडर किया एक्स डायरेक्शन, ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया, ये जेड डायरेक्शन हो गया। तो जो एक्स डायरेक्शन पे हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। जो हमारा वाई एक्सिस पे जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, एंड जो जेड एक्सिस पे हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के कैप से, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक। ये तो हो गया थोड़ा सा शॉर्टकट रिवीजन, ठीक। इसके आगे चलते हैं आप सब, आज क्या पढ़ना है वो देखते हैं। आज क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ते हैं कि सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल, ठीक है। यानी कोई भी अपने पास राशि है, वो सदिश राशि है, ठीक। तो गुणनफल उसका पढ़ते हैं। मान लो अपने पास कोई भी दो वेक्टर हैं, या इसको कहते हो वेक्टरों का गुणनफल है, राशियों का गुणनफल कह दो इसको, राशियों का कह दो, ठीक, या सदिशों का कह दो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जैसे अपने पास क्या है फ्रेंड्स, कोई भी दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर है ए एंड दूसरा वेक्टर है बी। मैंने बताया था जो सदिश राशि होगी उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, कोई भी वेक्टर लिखो तुम, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कुछ भी हो, उसके ऊपर बस एक एरो बना देंगे ऐसा, वो ये दर्शाएगा कि ये हमारी जो राशि है वो कैसी राशि है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो बस यही बताएगा कि ये जो आपकी राशि है ना वो कैसी राशि है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वो एक सदिश राशि है, ठीक। तो हमारे पास कोई भी दो राशि है ए और बी, ठीक। तो अगर इन दोनों का गुणनफल, अगर इन ये राशि कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और ये राशि यहाँ वेक्टर हम पढ़ रहे हैं ना, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं ना प्रभु, तो वेक्टर में जब भी आएगी तो वो यूनिट के फॉर्म में आएगी। यानी हम एक्सिस में पढ़ते थे ना, एक्सिस में पढ़ते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इस एक्सिस का अपना कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर होता था। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई का एफ, वाई का जे का एफ, एंड जेड का के कैफ। तो अब हम जो वेक्टर पढ़ेंगे, अब हमको जो वेक्टर गिवन होगा वो कुछ इस तरीके से दिया होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, इस तरीके से गिवन होगा हमको। यानी जो एक्स वाई जेड दिया रहता था उसी की जगह पे उस एक्स वाई जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर हमको दे दिया जाएगा, ठीक। एंड हमारी जो दूसरी राशि गिवन होगी वो कुछ इस तरीके से दी हुई होगी कि 5i कैप एंड 7j कैप एंड 9k कैप, ठीक। तो ये अपने पास क्या है फ्रेंड्स, ये अपने पास कोई भी दो वेक्टर गिवन है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों का गुणनफल देखना है। अगर इन दोनों का गुणनफल एक अदिश राशि आती है तो ये कैसी, तब ये क्या हो जाएगा, तो ये अदिश गुणनफल हो जाएगा। ये कैसा राशि क्या हो जाएगा, ये अदिश गुणन हो जाएगा। इन राशियों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक अदिश गुणन, इसको हम कहेंगे स्केलर गुणन हो जाएगा, इसको हम कहेंगे स्केलर गुणन, ठीक। और अगर इन्हीं दोनों राशियों के गुणनफल से जो राशि हमको फाइंड आउट होती है, अगर वो सदिश राशि है यानी वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेक्टर गुणन, यानी इसको हम कहेंगे सदिश गुणन, ठीक। इसको हम कहेंगे सदिश गुणन, ठीक, यानी वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। एंड इसको क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। फिर से समझाता हूँ आपको, ध्यान दो। अपने पास कोई भी दो वेक्टर गिवन होगा, वेक्टर किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक। हमको क्या करना है, गुणनफल निकालना है, देखना है कि अगर इन दोनों के गुणनफल से जो राशि आती है, भौतिक राशि जो आती है, अगर वो अदिश है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, स्केलर गुणन यानी स्केलर प्रोडक्ट। अगर इसके गुणनफल से फाइंड आउट जो राशि आती है, अगर वो सदिश में आती है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन, ठीक। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, स्केलर की, उसके बाद बात करेंगे किसकी, सदिश की, ठीक। देखो अब बात करते हैं किसकी, स्केलर गुणन। भाई मैं क्या बताने जा रहा हूँ, वेक्टरों का गुणनफल बताने जा रहा हूँ ना। तो वेक्टरों का गुणनफल अपने पास दो टाइप से होगा, एक स्केलर होगा, एक वेक्टर होगा। भाई राशियों का गुणनफल अपने पास कोई भी तो वेक्टर दिया होगा, तो एक स्केलर होगा, एक वेक्टर होगा। तो मैं स्केलर पहले बता देता हूँ स्केलर गुणन कैसे होता है। स्केलर गुणन जो होता है, अपने पास कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ होगा, अपने पास कोई भी दो वेक्टर क्या होगा, गिवन होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब नाम आपने सुना कि वेक्टर, जैसे ही नाम आपने सुना वेक्टर, तो उसके ऊपर ये एरो बना देना, ठीक। वो इसी को रिप्रेजेंट करता है कि ये ए जो है हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एंड बी के ऊपर भी एरो बना हुआ है, तो ये भी इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है कि बी भी हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इसके बाद हमको ये देखना है कि ये जो स्केलर गुणन है, यानी ये जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये बात तो होगी सिर्फ किन्हीं भी दो वेक्टरों के बीच में बात होगी, ए और बी के, ठीक। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाबू, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी से, ठीक। अब देखो, और यही ए डॉट बी जो है, यही ए डॉट बी जो होता है, इनके मैग्नीट्यूड एंड इनकी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये डेफिनीसन यहाँ से आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि जो स्केलर गुणन होता है ना, उसकी डेफिनीसन क्या होती है, तो आप ये बताओगे कि किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का जो स्केलर गुणन होता है ना, वो उस राशि के मैग्नीट्यूड की और कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखो अपने पास कोई भी दो राशि है, इस तरीके से ये राशि है अपने पास ए ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये बीच में कोण बन रहा है थीटा, ये बीच में कोण बन रहा है थीटा। तो इसी को हम यहाँ कोज्या कंसीडर करेंगे तो कॉस थीटा, ठीक, इनका मैग्नीट्यूड इनटू ये, इसको कोज्या कंसीडर करेंगे। बस इतना ध्यान देना है, बस स्केलर में एंड वेक्टर में बस इतना सा अंतर है कि मैग्नीट्यूड तो रहेगा बट मैग्नीट्यूड के साथ में यहाँ पे कोज्या का गुणनफल लिया जाएगा और उसमें क्या होगा साइन का यानी ज्या का, ठीक। ये भी अभी बहुत को नहीं पता होगा, कोज्या को कहते हैं कॉस एंड ज्या को कहते हैं साइन, ठीक। कोज्या को यानी कॉस थीटा, ज्या को कहते हैं साइन थीटा, ठीक। तो ये ध्यान देना है हमको। तो इसका जो मेन फार्मूला आ गया वो क्या आया, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ये तो हो गया इसका डिफिनीसन क्या होता है, ये होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये तो मैंने इसके बारे में बता दी। अब थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ ताकि पता तो रहे, प्रॉपर्टी आपको पता रहेगी तभी तो कहीं दिख गया तो आप उसकी प्रॉपर्टी जानोगे, पहचान जाओगे कि हाँ ये कैसा वेक्टर है, कैसा क्या है, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यानी स्केलर गुणन की, स्केलर गुणन का गुण, ठीक। देखो पहली चीज कि इसका मान 0 कामा धनात्मक कामा ऋणात्मक होता है। इसका मान ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। कैसे होता है, कब होता है वो मैं आपको बता दूँ, कंडीशन देखो। 0 कब होगा वो आप बता दो, आप ही को पता होगा। ए डॉट बी बराबर मैंने क्या बताया, इनका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो 0 कब होगा, जब कॉस 90 होगा, यानी जब थीटा बराबर 90 हो जाए, यानी जो कोण बन रहा है ना अगर वो 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हमारा यानी जो स्केलर गुणन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, धनात्मक होने की, यानी ये जो कोण है ना अगर ये न्यूनतम हो जाए यानी ये 90 डिग्री से कम हो जाए, 90 डिग्री से कम होगा। जैसे कास 45 हो गया, कास 45 कितना होता है 1/√2, कास 30 कितना होता है √3/2। ऐसी कंडीशन में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक। एंड थर्ड कंडीशंस क्या है, अगर ये थीटा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी ना 10th में, कंपेयर करके देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो गया, अभी अभी आपने देखा कि जब थीटा 90 जैसे हुआ तुरंत 0 हो गया, यानी इतना तो हमको पता पड़ गया कि 90 से लेके 90 के आगे जाएंगे तो वो 0 के आगे ही होगा, उससे कम नहीं होगा भैया, ठीक। तो अगर थीटा 90 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ऋणात्मक मान होगा इसका। इसका मान जो होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, इसका मान जो होगा वो निगेटिव होगा। अपने आप दिमाग लगाओ यार, 10th में मैथ पढ़े हो, ठीक। ए बी कॉस थीटा में जब थीटा 90 होगा तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। अगर थीटा क्या कर देंगे हम 90 से कम कर दें, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 90 पे 0 है, 90 से ही स्टार्ट है 0 होना। अगर 90 से कम करके देखें तो 0 नहीं होगा, और जब 0 नहीं होगा तो वही उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर क्या होगा, धनात्मक होगा वो, ठीक। 90 से ज़्यादा की बात करें, अगर 90 से और ज़्यादा की बात करें, और ज़्यादा बढ़ाते जाए तो क्या होगा, वो मान उसका जो आएगा ना वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके गुणनफल आपस में वितरित होते हैं। जैसे देखो अपने पास कोई भी दो वेक्टर है, ठीक, अपने पास कोई भी दो वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक। यहाँ से ये कोण ऐसे है, ये कोण यहाँ पे थीटा है अगर ये कोण 360 माइनस थीटा कर दे, 360 माइनस थीटा हम माने, ठीक, और ये वेक्टर बी है अपने पास, ठीक। तो हमको पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है बाबू, ए बी कॉस थीटा। बट यहाँ पे थीटा कितना रखना है, यहाँ पे अब की बार हमको थीटा रखना है 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये वामावर्त दिशा में हमने ये माना है कि 360 माइनस थीटा कोण बना रहा है। तो इस बार हमको थीटा की जगह क्या पुट कर देना है, 360 माइनस थीटा। तो जैसे ही कॉस 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, उसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और वैल्यू तो चेंज, नाम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि नाम 90 एंड 270 पे चेंज होता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, यहाँ से ए बी ही हो गया, ठीक, समझ गए। ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट और आ गई इसकी प्रॉपर्टी तीसरे नंबर पे, कि इसका स्केलर गुणन इसके मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होता है। एक पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया ना, दिख रहा है आपको ना, इसका स्केलर गुणन जो है इसके मैग्नीट्यूड यानी ये भी इसके बराबर है, ठीक। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है, चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, लंबवत की स्थिति में, लंबवत की स्थिति में यानी कब, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं बाबू। जैसे एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये हमारा मान लो वेक्टर बी है एंड ये वेक्टर ए है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो हमको पता है कि हमारा जो ए डॉट बी होता है वो कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। और जैसे यहाँ कॉस 90, थीटा जैसे यहाँ 90 पुट कर दोगे तुम, तुरंत यहाँ पे ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तुरंत जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। यानी लंबवत की स्थिति में क्या होता है, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि लंबवत की स्थिति में जो हमारा स्केलर गुणन होता है दो वेक्टरों का, दो वेक्टरों का, वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। बस हमको इतना सा याद रखना है, एक पॉइंट में एक पॉइंट बना के इतना सा आप नोट करना कि लंबवत की स्थिति में किन्हीं भी दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन होता है ना, यानी ए डॉट बी, वो किसके बराबर होता है, जीरो के। कोई पूछे कैसे, क्योंकि लंबवत की स्थिति में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंड कॉस 90 कितना होता है, जीरो। जब जीरो से इसमें गुणा कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी ए डॉट बी बराबर जीरो, ठीक। समांतर की स्थिति में देखो, समांतर की स्थिति में, समांतर की दशा में, ठीक, अगर समांतर में रहेंगे तो थीटा बनेगा जीरो, ठीक, और कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, इसके गुणन इसका ए बी कॉस थीटा, ये तो अपने पास सूत्र होता है ना, ये तो अपने पास सूत्र होता है बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। तो इसमें क्या करना है, कॉस थीटा, ए बी तो रहेगा ही, कॉस थीटा का मान 1 रख दिया। तो यहाँ से ए डॉट बी बराबर जो आएगा अपने पास, ए डॉट बी बराबर जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया, ठीक, समझ में आ गया। यानी यहाँ से हमको एक बात ये निकल के सामने आई कि समांतर की दशा में किन्हीं भी दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणन होता है वो उन्हीं वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होता है, समझ गए, ठीक। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी बहुत है। अब बात कर लेते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं, अब वेक्टर गुणन की बात करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, यानी वेक्टर गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट। वही चीज, वही चीज, ठीक। अपने पास ये वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, थीटा, पॉइंट ओ। यहाँ पे किन्हीं भी दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन, किन्हीं भी दो वेक्टरों का वेक्टर गुणन, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बाबू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से। यहाँ भी दो वेक्टरों के बीच में बात हो रही है, तो वेक्टर फर्स्ट वेक्टर कौन सा हो गया ये वाला, एंड सेकंड वेक्टर हो गया ये वाला। ठीक, तो यहाँ भी बात वही हो गई कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से, एंड यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसके मैग्नीट्यूड इंटू इसकी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बस देखो जरा सा अंतर है दोनों में। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा स्केलर गुणन होता है ना, वो उन्हीं वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और उसकी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और हमने इसमें क्या पढ़ा कि वेक्टर गुणन जो होता है वो उन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसकी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ज्या मीन्स क्या होता है, ज्या मीन्स मैंने बताया, ज्या मीन्स साइन एंड कोज्या मीन्स, कोज्या मीन्स कॉस। ठीक, ज्या मीन्स साइन एंड कोज्या मीन्स कॉस। थीटा की बात हो रही है तो यहाँ थीटा आ गया। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसको डिनोट करते थे ए डॉट बी से एंड इसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। वो किसके बराबर होता था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, एंड ये किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला नंबर, लंबवत की स्थिति में इसका मान, लंबवत का मतलब क्या हो गया, थीटा 90 हो गया, थीटा 90 हो गया। ठीक, इसका मान इसके परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे होता है, देखो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे cos 90, वहाँ पे क्या होता था cos 90 यानी जीरो। लंबवत की स्थिति में वहाँ पे क्या होता था, मान जीरो होता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए ना। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर। तो जब साइन थीटा यहाँ 90 रख दोगे तो साइन 90 कितना होता है, 1। साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहाँ से ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा अपने पास, ए क्रॉस बी अपने पास आ जाएगा ए बी, यानी किन्हीं भी दो वेक्टरों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, वो उन्हीं वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक, ये चीज़ आ गई अपने पास। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, समांतर की स्थिति में, समांतर की स्थिति में देखो एक दूसरे के अपोजिट है बाबू। समांतर की स्थिति में, समांतर की स्थिति पे वहाँ पे क्या आया था, मैग्नीट्यूड के बराबर आया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि समांतर की स्थिति में जो कोण बनेगा ना वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्रॉस बी अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा तो होता ही है, ए बी साइन थीटा होता है। जब थीटा जीरो रखोगे तो साइन जीरो का मान हमको पता है जीरो आता है, तो इसमें ए क्रॉस बी अपने पास कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, और उसमें हमने ये पढ़ा था, उसमें हमने ये बताया था, स्केलर में, स्केलर में हमने आपको ये बताया था कि यह क्रम विनिमेय होता है, क्रम विनिमेय होता है। क्रम विनिमेय मीन्स क्या है, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे। बट यहाँ पे, यहाँ पर क्रम विनिमेय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो वामावर्त दिशा में कोण माना था वो कितना माना था, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, ए बी साइन, यहाँ पे रखो ना थीटा की जगह 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो ये ए क्रॉस बी बराबर कितना आ गया अपने पास, ए क्रॉस बी बराबर आ गया अपने पास माइनस का ए बी आ गया। ठीक, अगर थीटा यहाँ 90 रख दे, अगर थीटा बराबर यहाँ 90 पुट कर दे, तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस का ए बी आया। बट अपने पास वहाँ पे देखो ना, वहाँ पे अपने पास क्रम विनिमय हो रहा था, वहाँ पे दोनों कंडीशन में बराबर आ रहा था। क्रम विनिमय करने पर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आ रहा था। ठीक, एंड यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर कितना आ रहा है, माइनस ए बी, यानी यहाँ पर क्या है, क्रम विनिमय नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये था दोनों में डिफरेंस, ठीक है। ये होता क्या है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक, ये चीज़ें मैंने आपको बताई है ना। अब जो है इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टरों का जो योग होता है, जो सब्सट्रैक्ट्स होता है, मतलब जो वेक्टरों का जोड़ना होता है, घटाना होता है, एंड इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एकांक वेक्टर क्या होता है, इसका जो क्वेश्चन है ज़्यादातर वही तो एग्ज़ाम में आता है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो एंजॉय करो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो चैनल पे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो मेरे से, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।